हेलो गाइज, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं जस्ट वेल के क्लास में। बेहतरीन तरीके से आपका लाइट चैप्टर स्टार्ट हुआ बच्चा, और आप देख रहे होंगे आपको इजीली एकदम मतलब आपके लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है। अगर आप देखेंगे परिभाषा हो या चित्रानुसार उनका व्याख्या हो, जो कि आपको 5 नंबर में आता ही है, आप भी जानते हैं। अगर 2023 का एकदम लेटेस्ट पेपर उठाते हैं तो देखिए उसमें समतल दर्पण से बनने वाले, है ना, समतल दर्पण से बनने वाले जो कहा जाए कि प्रतिबिंबों की संख्या है, समतल दर्पण के क्वालिटी क्या है, किस तरीके के प्रतिबिंब बनेंगे, सब कुछ आपको मिल रहा है कि नहीं। अब आज का पॉइंट है बच्चा कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की अगर संख्या पूछ दे तो उसको हम कैसे मतलब ज्ञात करेंगे, या उसके मान को किस तरीके से रखकर उसमें दिए गए फार्मूले पर रखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, तो आना निश्चित है। तैयार है सभी, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए हेडिंग डालिएगा समतल दर्पण, अगला पॉइंट है इसका। नोट्स, उम्मीद करेंगे कि सभी विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम सबका नोट्स देखेंगे। आप बोलेंगे मैम घर पर आके देखेंगी, कतई नहीं, घर पे तो हम आ ही नहीं सकते, इतने दूर दूर तक आप लोग बसे हैं, है ना। आपके द्वारा दिए गए नंबर यानी व्हाट्सएप वाले नंबर पर जस्ट ट्वेल्व के क्लास में जैसे आप होमवर्क भेजते थे, हिंदी का होमवर्क भेजते थे, उसी नंबर पे आपके नोट्स मंगवाएंगे। और जो नोट्स बनाया वो तो जरूर भेजेगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को एक देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। मान लो जैसे कि रजनी है, ललिता है, सुनैना है, और वो ऑफिशियल गोलू है, वेदांत है, और श्रवण है, ये सब जो रेगुलर विद्यार्थी है, रिया है, तो इनका ये लोग तो भेजेंगे ना भैया। सिद्धि जलेबी है, हमको तो लग रहा है कि 60-70 विद्यार्थियों के नाम तो ऐसे याद हो चुके होंगे क्लास लेते लेते, है कि नहीं। तो एक बार शेयर कर देना बच्चा। अब देखिए कि पहला पॉइंट हम लिखते हैं बच्चा कि समतल दर्पण से बनने वाले, समतल समतल दर्पण से बनने वाले, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का सही सूत्र। सीधे डायरेक्ट फार्मूला भी आ सकता है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, संख्या, देखिए क्या आता है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं बच्चा, डायरेक्ट फार्मूला। यदि यदि दो दर्पणों के बीच का, अब इसके बाद आता है कंसेप्ट, यदि ऐसे लिखिएगा, यदि दो दर्पणों के बीच का, यदि दो दर्पणों के बीच का, सुनिएगा, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा है, क्या है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण क्या है बच्चा, थीटा दे रखा हो, थीटा हो मतलब थीटा के जगह पर 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, कोई भी मान दे दे, तब यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या, तो उनके बीच रखी, तो उनके बीच रखी रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के प्रतिबिंबों की, वस्तु के प्रतिबिंबों की, वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी बताइए, तुरंत आंसर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, तो सीधे बेटा n बराबर आता है, संख्या n बराबर, फार्मूला लिख लीजिएगा, n बराबर 360 बटे में थीटा,
360 डिग्री बटे में बच्चा थीटा माइनस वन, डायरेक्ट यही सूत्र है और ये पूरा कंसेप्ट है, और इसी के आधार पर आप केवल मान रख देंगे थीटा का और प्रतिबिंबों की संख्या यानी एन प्राप्त हो जाएगा, एन प्राप्त हो जाएगा। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या यानी एन बराबर 360 बटे में थीटा माइनस वन, दैट्स योर आंसर। सीधे फार्मूला भी पूछता है, सीधे फार्मूला भी पूछता है ना। अब आता है कि मैम अगर मान लीजिए कि हमने एक अभी एग्जाम्पल बाकी है, अभी क्वेश्चन बाकी बचा, अब कंडीशन आता है, संख्या सम भी मिल सकती है, संख्या विषम भी मिल सकती है, संख्या दशमलव में भी प्राप्त हो सकती है, तब आप क्या करेंगे? अलग अलग स्थितियां तो उन पर बात करते हैं। अलग अलग स्थिति है बच्चा, यदि n बराबर, सुनिएगा, यदि n बराबर 360 बटे में थीटा माइनस वन, दैट्स योर फार्मूला, ये आपका फार्मूला है, सूत्र है, का मान पूर्णांक न हो, का मान पूर्णांक न हो, अर्थात बच्चा अगर पूर्णांक में ना देकर दशमलव में हो तब की बात कहता है। यदि n बराबर 360 डिग्री बटे में थीटा माइनस वन का मान पूर्णांक न हो, लिख रहा है, देखिए कंडीशन पहले ही बता दे रहे हैं, अगर पूर्णांक मान नहीं प्राप्त, मान लीजिए 5.3 मिल जाए, 4.8 मिल जाए, 3.7 मिल जाए, 7.2 मिल जाए, यानी ये पूर्णांक नहीं है, कुछ ना कुछ इसके पीछे दशमलव के साथ लगा है, तो पूर्णांक न हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तब प्रतिबिंबों, भैया चित्र देखो, प्रतिबिंब तो पूरा पूरा बनेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप अगर खड़े तो आपका परछाई आधा बनेगा, आपका पैर इधर बनेगा तो हाथ उधर बनेगा, ऐसा नहीं होगा ना, पूरा प्रतिबिंब बनेगा, 0.2 नहीं बनेगा, 0.3 नहीं बनेगा, 0.5 नहीं बनेगा, समझिए। तो कह रहा है कि अगर पूर्णांक मान न हो तो प्रतिबिंबों की संख्या, नोट करिएगा, सुपर स्टार पॉइंट है ये, और क्वेश्चन इसी पर आएंगे, पूर्णांक संख्या का तो सबको पता है कि भाग देंगे एक में से घटा देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर दशमलव में आ गया, पूर्णांक में नहीं आया, तब क्या कहेंगे कि आप प्रतिबिंब की संख्या 0.5 आई है, प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा 0.8 बनेगा, बताओ ऐसे कहेंगे आप? नहीं ना कहोगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो प्रतिबिंबों की संख्या अगले पूर्णांक के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन लगाते हैं क्योंकि हमने पूरा पॉइंट लिखवा दिया, अगले पूर्णांक के बराबर हो जाती है, अगले पूर्णांक के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब न्यूमेरिकल देखिए, अब इस पे बच्चा ये देखिए, पहले आपको हमने तथ्य बताया यानी कंसेप्ट बताया, अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल लगेगा। दोनों कंडीशन हमने लिख दी भैया, कि अगर पूछ दे कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो आप कहेंगे अगर थीटा बन रहा है तो एन बराबर 360 बटे में थीटा माइनस वन, यदि n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस वन का मान पूर्णांक न हो, यानी संख्या दशमलव में आ रही है, भिन्न में आ रही है, तो प्रतिबिंबों की संख्या अगले पूर्णांक के बराबर हो जाती है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर, अब आते हैं बच्चा इसके न्यूमेरिकल पर, जहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पर अब आप इसको सॉल्व करने के लिए तैयार है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके रिप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत यस करके रिप्लाई करिए बच्चा, तुरंत करिए, बता रहे हैं ना भाई, इतना जल्दी घबरा जाते हैं, मैम होगा क्या, क्वेश्चन कैसे आएंगे, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, आइए। हमने दिया प्रश्न संख्या पहला और इसके आंसर आप बताओगे बच्चा, इसका आंसर आप बताओगे, प्रश्न पहला अभी कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बाद आपका क्वेश्चन तुरंत, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, पूरा भाग भी हो जाए, पता तो चल जाए कि भाग सही दे रहे हैं, घटा वटा आ रहा है कि बस
चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, है ना। आइए, 72 डिग्री लिखा है, 72 डिग्री के कोण पे, 72 डिग्री के कोण पर, सुनिएगा, 72 डिग्री के कोण पर, है ना, झुके हुए दो समतल, झुके झुके हुए दो समतल, है ना। देखिए, 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में, दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की संख्या, बने बने प्रतिबिंबों की संख्या कितने विद्यार्थी सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन दे दें, ऑप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन तो रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बच्चा तो ऑप्शन तो जरूर रहेगा, है ना। ए कहता है 5, बी कहता है 7, सी कहता है आपका, है ना, 7 हो गया, 6 हो गया, और डी कहता है बच्चा 4। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पढ़िए एक बार, 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की संख्या, ऑप्शन भी दे रखा है, अब केवल सॉल्व करना है। अभी हमने बताया, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, वाह भाई गजब, कि आपने देखा कि प्रतिबिंबों की संख्या की बात अगर की जाए तो मैम ने अभी बताया कंसेप्ट के आधार पर कि यदि दो दर्पणों के बीच का कोण अगर थीटा यानी 72 डिग्री दे रखा है तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे में थीटा माइनस 1 लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रख देते हैं n बराबर, बिल्कुल सही, n बराबर क्या है बच्चा, 360 बटे में थीटा का मान माइनस 1, तो n बराबर आपने रखा 360 बटे में 72 माइनस 1, कट जाएगा 36 के पहाड़ा से काटेंगे तो 10 बार में ये कट जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, और 2 के पहाड़ा से बच्चा 5 बार में ये कट जाएगा। तो आपने देखा कि n बराबर आपको मिल गया, 5 में से -1 करेंगे तो संख्या आ गई 4, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी 4, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डी में, खत्म, लग जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी यस करके रिप्लाई करें तुरंत, बिना रुके बिना टोके, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा मैम जी, आंसर तो आने लगे भाई मैम जी, हो जाएगा, हो जाएगा, चले बताइएगा। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चा, हाँ अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है तो बताइए एक बार बताइए। चले, उम्मीद करते हैं कि लग जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि प्रश्न संख्या दूसरा, प्रश्न संख्या दूसरा बच्चा, अब इसका आंसर आप देंगे और देखते हैं सबसे पहले कौन से विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, है ना। 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पण, 60 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच, सुनिए, 60 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी बताइए एक बार। क्वेश्चन हमने लिख दिया बच्चा, प्रतिबिंबों की संख्या होगी क्या होगी, अब आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 60 डिग्री के कोण पर की बात की गई है,
60 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? फार्मूला आप सबको पता है, मैम ने अभी बताया आप सभी को हमने, n बराबर 360 डिग्री बटे में थीटा माइनस वन कर देंगे। n बराबर आपने देखा बेटा क्या आ गया, n बराबर आपने देखा कि 360 बटे में 60 बिल्कुल माइनस वन, 6 के पहाड़ा से कट कर दीजिए, 10 बार में इधर कट जाएगा और 6 के 36 60, तो आपने कहा कि 10 छक्का 60 6 आ गया, तो n बराबर बच्चा 6 माइनस 1 तो संख्या क्या आ गई 5, तो संख्या क्या आ गई 5, प्रतिबिंबों का प्रतिबिंब कितने बनेंगे 5, दैट्स योर आंसर, एकदम सही, बहुत बढ़िया, 5 आंसर जिन विद्यार्थियों का आया है बिल्कुल सही है, एकदम सही के साथ चल रहे हैं। अब आते हैं आपके, अगर अभी तक तो आपको पूर्णांक संख्या मिल रहा था और दूसरा कंडीशन हमने लिखवाया कि बच्चा अगर अपूर्णांक संख्या मिल जाए, हमने लिखवाया है ना कि अगर अपूर्णांक संख्या मिल जाए, अब आइए भाई कि दशमलव वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वो वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता है, प्रश्न संख्या तीसरे पर आ चुके हैं और तीसरा कहता है आपसे कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, यदि यदि दो समतल, यदि दो समतल दर्पणों के, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, बीच का कोण, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 50 डिग्री हो, कितनी डिग्री हो बच्चा 50 डिग्री हो, है ना, अब 50 डिग्री हो तो उनके बीच रखे वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करिए, तो उनके बीच रखी, बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें, अब करिए संख्या ज्ञात, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण बच्चा 50 डिग्री हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। अब आप देख रहे हैं 50 है तो कहीं ना कहीं संख्या में हेर फेर है, एकदम बिल्कुल, तो फार्मूला तो वही लगेगा कि n बराबर 360 डिग्री बटे में थीटा माइनस वन, ठीक है, n बराबर 360, थीटा का मान बच्चा 50 डिग्री है माइनस वन, 0 से 0 खत्म, 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 5 35, क्लियर है, 7 5 35 और फिर कितना बच गया, तो कहेंगे मैम जी 2 बच गया यानी दशमलव 2 आ जाएगा, आपका मान आया n बराबर, बेटा n बराबर आपका मान क्या आया, n बराबर आपको मिला 7.2 माइनस वन, घट के क्या हो जाएगा तो 6.2 हो जाएगा, यानी आपको संख्या कैसी मिल गई, संख्या कैसी मिल गई बच्चा, पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हुई है, तो लिखेंगे चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, लिखा जाएगा ऐसे लिखेंगे भाई, चूंकि n का मान, चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि सच में पूर्णांक नहीं है, दशमलव आ चुका है, पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं है तब क्या होगा प्रतिबिंब की संख्या, तो आपसे क्या बोला गया था, तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके अगले पूर्णांक से ले ली जाएगी, देखिए यहाँ पर लिखवाया है ना कि यदि पूर्णांक मान नहीं प्राप्त होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या अगले पूर्णांक के बराबर हो जाएगी, अगले पूर्णांक के बराबर मतलब 6 के बाद वाली संख्या कौन सी पूर्णांक कहलाएगी, 6 के बाद क्या आएगा 6 7, है ना, तो अगला पूर्णांक संख्या ली जाएगी, तो n का मान बच्चा पूर्णांक नहीं है, अतः प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, अतः प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्लियर है,
नोट कर लीजिए संख्या। अब तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। 12वीं साइंस के स्टूडेंट है तो इतना तो गुणा भाग और फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन आप कर लेंगे, पूरा उम्मीद है, विश्वास है, और कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा। शॉर्ट में बताया है, केवल फार्मूला बेस नोमेरिकल है। थीटा का मान रख देना है, 360 में भाग दे देना है, -1 कर देना है। अगर पूर्णांक संख्या आएगी तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, एकदम सफल इलाज हुआ आपका, सक्सेसफुल हुए। अगर अपूर्णांक आता है बच्चा, यानी पूर्णांक संख्या नहीं आती है, तो उसके बाद की संख्या ली जाएगी, है ना। प्रतिबिंब की संख्या अगले पूर्णांक यानी अगले नंबर के बराबर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, प्रोसीजर भी कंप्लीट हुआ, साथ में कंसेप्ट भी कंप्लीट। आगे चले, तैयार है। अब आता है समतल दर्पण का घूमना, कैसे घूमता है, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अगला पॉइंट है बच्चा, नोट करिएगा, समतल दर्पण का घूमना। इस पर भी फार्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और कल से जितना भी फार्मूला बता रहे हैं एक बार उसका रिवीजन करिएगा। पलक झपकते वाले नंबर है, जैसे पलक झपकता है आपका ना, वैसे ये नंबर देते हैं। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, डायरेक्ट रख देना है ना। दूसरा कहता है कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या यानी n बराबर 360 बटे में थीटा -1। पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होती है, दशमलव में मान आता है, तब अगले पूर्णांक के बराबर हो जाएगी प्रतिबिंब की संख्या। दोनों कंसेप्ट एकदम पॉकेट में रखना, ये पॉकेट और रॉकेट वाले क्वेश्चन है। तो तीसरा कंसेप्ट हमारा जो कि फार्मूला बेस है बच्चा, सुनिएगा ध्यान से। समतल दर्पण का घूमना, किसका घूमना बच्चा, समतल दर्पण का घूमना। और जितना पढ़ा रहे ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिख जाएंगे भाई, कहने के लिए शॉर्ट है लेकिन एक नंबर एकदम फिक्स है। हेडिंग डाल दिया आप सभी ने, यस। अब आते हैं समतल दर्पण का घूमना यानी रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, रोटेशन है ना, रोटेशन, रोटेशन करे। मैम इंग्लिश तो ऐसे लिख दी कि समझ ही में नहीं आ रहा, लिख दे रहे साफ साफ, प्रो TATION, रोटेशन। अब समझ में आ रहा है ना, बिना पेन उठाए इंग्लिश लिखने की आदत है ना, पेन नहीं उठना चाहिए। रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ऑफ प्लेन मिरर, आइए देखिए, समझिएगा बच्चा। पॉइंट बहुत ही शानदार है और वन लाइनर पॉइंट है। सबसे अच्छी बात ये कि वन लाइनर पॉइंट है, ए करके लिखिएगा, ए ए फॉर अनुराधा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। ए क्या कहता है, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, हमने बोला यदि यदि समतल दर्पण को बच्चा, यदि समतल, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर, किस कोण पे, थीटा कोण पर, सुनिए, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, तब क्या होगा, घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण, जो किरण आएगी बच्चा, जो परावर्तन की किरण आएगी, तो परिवर्तित। हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते, आज आपका नोमेरिकल रहेगा जो कि हमने कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। अब जब कंसेप्ट पढ़ाया, इस पे नोमेरिकल क्या है उसको देखते हैं। जैसे कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दिया जाए तो परिवर्तित किरण कितना घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाएगी, क्लियर है। और 2 थीटा जब घूम जाएगी तो इसके नोमेरिकल के लिए आप सभी विद्यार्थी तैयार हैं, तो नोमेरिकल को देखते हैं बच्चा, आ जाइए। अब नोमेरिकल के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम बोल देते हैं कि 10 डिग्री घुमा देते हैं यदि समतल दर्पण को, सुनिएगा अगला प्रश्न है इस पर, प्रश्न संख्या पहला रहेगा इस पर बच्चा,
इस कंसेप्ट पर प्रश्न संख्या पहला, क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि यदि समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण को यदि समतल दर्पण को, है ना, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए, 10 डिग्री घुमा दिया जाए, और जब 10 डिग्री घुमा दिया जाए तब दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी, तो परावर्तित किरण घूमेगी, बताइए कितने डिग्री घूम जाएगी। डायरेक्ट कंसेप्ट पर जाइए, परावर्तित किरण घूमेगी, कितने घूमेगी बच्चा? अभी आपको हमने इस कंसेप्ट को पढ़ाया है, ऑप्शन दे देते हैं ताकि ऑप्शन में तुरंत आंसर दीजिएगा। ऑप्शन दे देते हैं बच्चा, ए ऑप्शन कहता है 10 डिग्री, बी ऑप्शन कहता है 20 डिग्री, सी कहता है 30 डिग्री, डी कहता है 5 डिग्री। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तुरंत आंसर दीजिए बच्चा, कौन सा ऑप्शन सही है? यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो बताइए परावर्तित किरण घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी? आप सभी विद्यार्थी तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपने अभी पढ़ाया हमने कि यदि आपका समतल दर्पण बच्चा, समतल दर्पण थीटा कोण घूमेगा, समतल दर्पण अगर थीटा कोण घूमता है तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी? तो आप कहोगे परावर्तित किरण मैम जी 2 थीटा घूम जाएगी, यानी आपको थीटा बराबर 10 डिग्री दे रखा है, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो बराबर 20 डिग्री आ जाएगा। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, खत्म, ऑप्शन नंबर बी ये है। चले आगे, अगले प्रश्न के तरफ बढ़े तो एक बार सभी विद्यार्थी, हमारे सभी के सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दीजिएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या दूसरा सुनिए। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहता है? प्रश्न संख्या दूसरा, यदि समतल दर्पण को हम थीटा कोण बना दे, थीटा कोण घुमा दे, यदि समतल दर्पण थीटा कोण घूम जाए, थीटा कोण घुमा दिया जाए, थीटा कोण घुमा दिया जाए, है ना, थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी बच्चा, बताओ? ऑप्शन ए कहता है थीटा, बी कहता है 3 थीटा, सी कहता है 2 थीटा, डी कहता है इनमें से कोई नहीं, बताओ इनमें से कोई नहीं, आंसर दीजिए बच्चा तुरंत, इनमें से कोई नहीं। आपने देखा कि यदि समतल दर्पण, अभी कंसेप्ट है पूरा पूरा का पूरा, ये कंसेप्ट है और कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर आपसे कह दे कि यदि समतल दर्पण बच्चा आपका थीटा कोण घूम जाए, कौन सा कोण घूम जाए, थीटा कोण घूम जाए, तब आपको बताना है कि परावर्तित किरण घूमेगी कितने डिग्री, तो आप कहेंगे मैम जी 2 थीटा, ऑप्शन नंबर सी, 2 थीटा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें तुरंत, अगला अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, अगले कंसेप्ट पर। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, वन लाइनर कंसेप्ट था जिस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लेंगे। आगे चले आगे चले आगे चलते हैं बच्चा, एक बार शेयर करते हुए सभी विद्यार्थी हमारे साथ में, सभी के सभी विद्यार्थी शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अगला पॉइंट नोट करिएगा, समतल दर्पण से, समतल दर्पण की अगर पूछ दे, अगला पॉइंट है बच्चा, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो, समतल दर्पण की
फोकस दूरी, कौन सी दूरी? फोकस दूरी, फोकस दूरी अनंत हो, यदि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो, क्या हो? अनंत हो, तो क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बच्चा? अगर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा तथा क्षमता, क्षमता यानी पी है ना, क्षमता यानी पी क्या होगा? तथा क्षमता शून्य होती है, तथा क्षमता शून्य होती है, नोट कर लीजिएगा। इस पर कोई गुणा भाग नहीं करना है, डायरेक्ट ये कंसेप्ट है, डायरेक्ट ये नियम है, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। समतल दर्पण का अगर पूछ दे कि फोकस दूरी होती है, अगर आपसे पूछ दे कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो आप कहिएगा अनंत। तब अगर आपसे पूछ दे एफ, समतल दर्पण का प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, हाँ प्लेन मिरर, नोट कर लीजिए, प्लेन मिरर का एफ, एफ यानी फोकस दूरी कितना होगा बच्चा? तो अनंत। और प्लेन मिरर का अगर पूछ दे पी, पी यानी क्षमता, तो क्या हो जाएगा? जीरो, नोट कर लीजिए, खत्म। यही था कंसेप्ट, डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। क्षमता कितनी होगी? शून्य, खत्म। ये था अगला पॉइंट बच्चा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है कि यदि समतल, अगर देखिएगा, यदि समतल दर्पण के वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है, ये कल हमने ही लिखवाया था कि समतल दर्पण का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज है, गुण है, कल नोट करवाया था, है कि नहीं? हो जाएगा ना, आगे चलें, ठीक है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब, नोट करिएगा अगला पॉइंट, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति को अपना, किसी व्यक्ति को अपना पूरा, ध्यान से सुनिए, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, देखने के लिए, ये कंसेप्ट है बच्चा, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई कौन सी बच्चा? दर्पण की लंबाई कैसी होनी चाहिए? दर्पण की लंबाई व्यक्ति के ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई व्यक्ति के ऊंचाई से, व्यक्ति के ऊंचाई से, ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, ठीक है? कैसी होनी चाहिए बच्चा? आधी होनी चाहिए, क्लियर? नोट कर लीजिए, ये पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है बच्चा कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई से, दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, ये कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, हो जाएगा, आगे चले। हाँ वही है, एच ऊंचाई व्यक्ति को अगर अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, मान लीजिए आपकी ऊंचाई एच है और आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 यानी आधा होना चाहिए। अर्थात इस तरीके से करके लिख लीजिए, ये लैंग्वेज में है तो लैंग्वेज को थोड़ा सा शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए, अर्थात करके लिख लीजिए, अर्थात, अर्थात है ना, अर्थात h ऊंचाई वाले व्यक्ति को, मान लीजिए h ऊंचाई वाले, h ऊंचाई वाले, h ऊंचाई वाले व्यक्ति को है ना, h ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना
अपना पूर्ण प्रतिबिंब यानी पूरा प्रतिबिंब देखना है। पूर्ण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एच बाई टू कर देंगे। देखने के लिए क्या हो जाएगा, देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, समतल दर्पण की, समतल दर्पण की बच्चा न्यूनतम ऊंचाई यानी मिनिमम क्या होनी चाहिए, एच बाई टू, बस यही यही भाषा लिखा गया। न्यूनतम ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे बच्चा एच बाई टू हो जाएगी, एच बाई टू होगी, बस यही है, एच बाई टू होनी चाहिए। वो लैंग्वेज था, यहां पर आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, आधा आधा यानी आप बोलेंगे एच बाई टू, क्लियर है। देखिए दोनों दोनों भाषा हमने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट कंसेप्ट है, और आप कह सकते हैं डायरेक्ट नंबर आपको, वन लाइनर नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। आगे चले, हो जाएगा ये पूरा क्लियर हुआ तो एक बार आप सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर करिएगा। अगला पॉइंट आता है इससे महत्वपूर्ण बातें, इससे महत्वपूर्ण बातें कि यदि वस्तु दर्पण की ओर, अगला पॉइंट, जैसे जैसे ये 5 पॉइंट 5 नंबर के हैं बहुविकल्पी में, सुनिएगा बहुविकल्पी में 5 नंबर, क्योंकि बस केवल कंसेप्ट पर आधारित है, कंसेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल है, छोटा छोटा फार्मूला है, एच बाई टू ऊंचाई 10 दे दिया, समतल दर्पण की ऊंचाई क्या होगी, तो 10 में 2 का भाग दे देंगे 5 आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर, ध्यान से सुनिएगा, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर, है ना, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गति कर रही है, समतल दर्पण की ओर v चाल से, किस चाल से बच्चा, v चाल से गति कर रही है, गति कर रही है ना, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गति कर रही है या गति करती है, गति कर रही है या करती है, दोनों कंडीशन है, करती है, ठीक है, करती है, तो प्रतिबिंब की ओर, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की ओर, सुनिएगा, तो प्रतिबिंब की ओर यानी प्रतिबिंब की ओर वस्तु का सापेक्षिक चाल, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा बच्चा, 2v हो जाता है ना, 2v हो जाता है। अगर वो क्या नाम है, वी वी से चल रही है दर्पण की ओर, हाँ, 2v होती है कंप्लीट, ये कंसेप्ट है बच्चा। यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर, सुनिएगा, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से गति कर रही है या करती है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल 2v होती है, खत्म। और ये समतल दर्पण से कहा जाए बच्चा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, समतल दर्पण से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट है, नोट कर लीजिए भाई। अगला पॉइंट भी है डायरेक्ट, ये एक एक नंबर वाले हैं, आपने देखा, आपको एक एक नंबर वाला, देखिए ये एक एक नंबर का है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, अनंत है, क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, समतल दर्पण अगर थीटा कोण पे घूमता है तो परावर्तित किरण कितने पर घूमेगा, 2 थीटा पर घूमेगा, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दे तो परावर्तित कितना हो जाएगा, 2 थीटा यानी 20 डिग्री हो जाएगा। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, इस पर आपको 2 नंबर में परिभाषा लिखने को, फार्मूला लिखने को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये प्रीवियस अगर देखा आप पेपर का सिलेबस
उठाकर देखिए तो समतल दर्पण से बच्चा हर बार आपके एग्जाम में 5 नंबर निश्चित है, व्याख्या के साथ, एग्जाम फार्मूला के साथ, कंसेप्ट के साथ 5 नंबर। हाँ, आगे चले बेटा, हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, समतल दर्पण से प्रकाश किरण, ओहो, अगला पॉइंट, समतल दर्पण से, ये नोट करते चलिएगा सभी विद्यार्थी हमारे, समतल दर्पण से समतल दर्पण से, ठीक है, सुनिए, समतल दर्पण से प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए, समतल दर्पण से प्रकाश प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए प्रकाश किरण के परावर्तन परावर्तन के लिए समतल दर्पण से प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए परावर्तन के लिए के लिए उत्पन्न उत्पन्न विचलन समतल दर्पण से प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए उत्पन्न विचलन कोण क्या होगा, उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होगा, तो उत्पन्न विचलन कोण बच्चा 180 - 2 थीटा हो जाता है, नोट कर लीजिए, 180 डिग्री - 2 थीटा होता है ना, यही बच्चा ये कंसेप्ट है, कब के लिए है, कब ये यूज किया जाएगा, कब यूज किया जाएगा, तो आप कहेंगे समतल दर्पण से प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए उत्पन्न विचलन, जब परावर्तन होता है और उसमें विचलन हो जाए, डगमगा जाए, है ना, हट बढ़ जाए, विक्षेपित हो जाए, तब क्या हो जाएगा, कोण 180 - 2 थीटा हो जाएगा, 180 - 2 थीटा हो जाएगा, कंप्लीट, ये है। अगला पॉइंट नोट करिए, अगला पॉइंट, जैसे कि यदि समतल दर्पण एवं वस्तु, अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत नोट करिएगा, यदि समतल दर्पण यदि समतल दर्पण सुनिए यदि समतल दर्पण एवं वस्तु है ना, ध्यान से, यदि समतल दर्पण एवं वस्तु दोनों विपरीत दिशाओं में, कैसे में, दोनों विपरीत यानी एक पूरब तो एक पश्चिम, दोनों विपरीत दिशाओं में एक्स दूरी चलते हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में बच्चा कौन सी दूरी, मान लो कि एक्स चलते हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में एक्स दूरी चलते हैं, एक्स दूरी चलते हैं, चलते चलते कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होगी, तो प्रतिबिंब बच्चा कैसा बनेगा बताओ, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी चलेगा, तो प्रतिबिंब कितना दूरी तय करेगा, तो प्रतिबिंब बच्चा 3x कितना हो जाएगा, 3x, कितनी दूरी, 3x दूरी पर चलता है, डायरेक्ट प्रश्न है, दूरी चलता है, देखा आपने, आपने सोचा कि बस हम समप्लेन वाले मिरर में चेहरा देखते हैं, आपने देखा कि आप प्लेन वाले मिरर में केवल चेहरा देखते हैं, और चेहरा देखने के पीछे इतना कारण है, चेहरा देखने के पीछे इतना कारण है, आय हाय, ओहो, सच में देखिए, और ये जितने भी बच्चा स्टार पॉइंट लिखवाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर का पूरा निचोड़ है,
समतल दर्पण का पूरा निचोड़ है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को डायरेक्ट मिलेगा, जो कि 7 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हो जाएगा नोट, तो सभी विद्यार्थी हमारे कर ही रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं भाई आप सभी विद्यार्थियों से। अकल के लिए बच्चा, अब इसके बाद आता है, अभी तक आपने समतल दर्पण, ये जितना भी क्लास आपने लिया आज का पूरा समतल दर्पण का था, देखिए उस पर आधारित प्रश्न थे, पूर्णांक संख्या था पूरा। एक बार फिर से जाते जाते समय एक बार रिपीट कर लीजिए कि आपने पढ़ा क्या। आज समतल दर्पण आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, और समतल दर्पण में क्या क्या चीजें हैं पूरा आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब समतल दर्पण में देखिएगा, पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ाया कि समतल दर्पण का पहला पॉइंट था कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो आप कहेंगे जी मैम n बराबर 360 बटे में थीटा माइनस 1। अगर पूर्णांक संख्या नहीं प्राप्त होती तो प्रतिबिंबों की संख्या अगले पूर्णांक के बराबर हो जाएगी, वही प्रतिबिंब की संख्या कहलाएगी, खत्म। अगला पॉइंट क्या था, उस पर आधारित नोमेरिकल जो कि पूछे गए थे आपके सामने था। दूसरा भी नोमेरिकल, एक पूर्णांक संख्या जो कि प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिबिंब की संख्या अगले पूर्णांक यानी 7 के बराबर हो जाएगी। समतल दर्पण का घूमना, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या कहता है, यदि समतल दर्पण बच्चा थीटा कोण पर घूमता है तो उसका परिवर्तित किरण 2 थीटा हो जाएगा। उस पर आधारित प्रश्न, जैसे कि हमने 10 डिग्री घुमाया, मान लीजिए 10 के जगह आपके एग्जाम में 30 डिग्री दे दे कि भैया हमने समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिया, तो बताइए परावर्तित किरण क्या होगा, तो 30 में 2 का गुणा कर देंगे 2 थीटा यानी 60 हो जाएगा, कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। तीसरा कि अगर डायरेक्ट आपसे कंसेप्ट ही पूछ दिया कि अगर समतल दर्पण थीटा कोण पे घूमती तो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर घूमेगी, तो 2 थीटा पर घूमेगी। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो कहिएगा अनंत होती है। अगर पूछे कि समतल दर्पण का क्षमता यानी पी कितना होगा, तो 0 होगा यानी 0 होगा, क्लियर। अब आता है, जैसे कि आप अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा देखने के लिए रूल क्या है, नियम क्या है वो, तो यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति के ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अगर अपना पूरा लंबाई देखना है ना, देखने के लिए दर्पण की लंबाई कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अर्थात एच ऊंचाई वाला व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी ऊंचाई एच है, तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, खत्म। अगले पॉइंट पर आते हैं, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से गतिमान है, किस वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है या गति करती है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल बच्चा 2v हो जाएगी। मान लीजिए कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 10 मीटर/सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, 10 गुणे 2 यानी 20 मीटर/सेकंड हो जाएगी, कंप्लीट। अगला देख लीजिए, अगला क्या लिखवाया, इसमें 2 पॉइंट है बच्चा कि समतल दर्पण से प्रकाश किरण के परावर्तन के लिए उत्पन्न विचलन कोण क्या होगा, तो कहेंगे 180 - 2 थीटा हो जाएगा, क्लियर। फिर क्या कहता है, यदि समतल दर्पण एवं वस्तु विपरीत दिशा में x दूरी चलते हैं, समतल दर्पण एवं वस्तु दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, दिशा में x दूरी चलते हैं तो प्रतिबिंब बच्चा कौन सी दूरी तय करेगा या कितनी दूरी तय करेगा, तो 3x दूरी चलेगा, कंप्लीट हुआ। ये पूरा समतल दर्पण था जो कि आपका कंप्लीट हुआ, बढ़िया लगा, और समतल दर्पण आपका पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ है। तो एक बार सेशन को लाइक करिएगा। कल क्या रहेगा आपका, स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के अंतर्गत आपका आएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, उन पर दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, साथ में अभिलंब क्या है ध्रुव, फिर पॉइंट के अनुसार ये पूरा आपका मिरर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मिरर कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा लीजिए, चाहे आप अपने मॉडल पेपर को लगा लीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, अब कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट में ही न्यूमेरिकल है, आप कह सकते हैं इसके नियम में ही न्यूमेरिकल छिपा हुआ है।
हो जाएगा ना। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर बेहतरीन तरीके से करिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पूरा चैप्टर आपका सबसे पहले सिलेबस के अनुसार आपका पूरा चैप्टर फिजिक्स का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों कंप्लीट होगा। चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायो, पूरे विश्लेषण के साथ अध्ययन जस्टवेल क्लास पर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।